आज हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास का गांधी युग 1915 से 1947 तक के टॉप 100 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आज हमारा पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड में हम 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे और पार्ट फर्स्ट में हमने 50 क्वेश्चनों की चर्चा की थी। पार्ट फर्स्ट अगर आपको देखना है तो चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हमने लास्ट क्वेश्चन था पार्ट फर्स्ट में हमारा 50 नंबर ये। ठीक है, आज हम 51 से 100 तक क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। ठीक है, आज हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? इसमें आपका राइट हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है ये। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन है 52, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था। क्रिप्स मिशन भारत आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो है ये। क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय भारत का वायसराय था, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे। गांधी जी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एक बार बने थे, और कब बने थे तो आपको ध्यान रखना है 1924 में बने थे। महात्मा गांधी को वर्ष 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह सत्र कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बार बने थे, 1924 में बने थे, और ये सत्र था ये कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा है ये किसने दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट हो जाएगा साथियों भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था, तीन तो शामिल थे एक शामिल नहीं था। तो महात्मा गांधी जी शामिल थे, सरदार पटेल शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, बी आर अम्बेडकर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे, तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट हो जाएगा साथियों जे बी कृपलानी है ये, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है ये किसने की थी, सीमा रेखा, तो राइट हो जाएगा साथियों सर सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, तो इस रेखा का नाम भी क्या है, रेडक्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा जो रेखा है इसका नाम भी रेडक्लिफ रेखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे काम पर थे, तो राइट हो जाएगा जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। ठीक है, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे जहाज में, उसमें महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी, तो राइट हो जाएगा साथियों एस एन बनर्जी ने की थी, एस एन बनर्जी ने की थी, तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें इंडियन ओपिनियन। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें लॉर्ड इरविन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, तो राइट हो जाएगा महात्मा गांधी, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो राइट हो जाएगा साथियों चर्चिल थे। ठीक है, कौन थे,
चर्चिल थे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? 1938 का अधिवेशन है यह किस शहर में हुआ था? तो राइट हो जाएगा हरिपुरा में हुआ था, ठीक है। और 1938 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी और हरिपुरा में यह अधिवेशन हुआ था, दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था, या करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो राइट हो जाएगा साथियों महात्मा गांधी ने दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? तो राइट हो जाएगा साथियों वल्लभ भाई पटेल ने। तो आपको ध्यान रखना है 1931 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कराची में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, भारत में वेद शासन प्रारंभ किया गया था, वेद शासन है यह प्रारंभ कब किया गया था? तो राइट हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट्स 1919 से वेद शासन प्रारंभ किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो राइट हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाए जाने का निष्ठा बर्बादी बताया था? किसने असहयोग आंदोलन हुआ था उसके दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था, वो कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका इसमें। अगला है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो राइट हो जाएगा साथियों अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है साबरमती आश्रम, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये सुझाव किसने दिया था कि स्वतंत्र होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, ये त्रिपुरी कहाँ है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी सम्मेलन है ये 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, तो ये त्रिपुरी कहाँ पर है? तो राइट हो जाएगा साथियों जबलपुर में है, कहाँ पर है? जबलपुर में, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो राइट हो जाएगा 1915 में भारत लौटे थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो कवि इकबाल ने सारे जहां से अच्छा लिखा था, सारे जहां से अच्छा ये किसने लिखा था? कवि इकबाल ने लिखा था, और ये कहां से संबंधित है? तो राइट हो जाएगा साथियों पंजाब से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस मनाया जाता, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, कब मनाया था मुक्ति दिवस, कब मनाया था मुस्लिम लीग ने? तो राइट हो जाएगा साथियों 1939 में मनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो राइट हो जाएगा चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राइट हो जाएगा साथियों खाद्य एवं कृषि मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद के पास था, तो राइट हो जाएगा सी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया था, उसके बाद में किस दल की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, तो राइट हो जाएगा मित्रों जवाहरलाल नेहरू ने की थी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी। दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी, तो राइट हो जाएगा वीपी मेनन ने लिखी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पुस्तक का ध्यान रखना आपको, एग्जाम में पूछी जाती है, तो वीपी मेनन ने ये पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था। पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था, तो वो थे भारतीय दलित वर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे। गांधी जी के अनुयायी थे, उनमें से कौन एक पेशे से शिक्षक थे, तो वो थे साथियों जेबी कृपलानी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया था। 1942 के जो आंदोलन हुआ था उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया था, तो राइट हो जाएगा बांकीपुर जेल में, ठीक है। बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को कैद रखा था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण है ये किस पार्टी से जुड़े थे, तो राइट हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण जुड़े थे, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो राइट हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ये डेट भी ध्यान रखना है, 9 अगस्त 1942, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, वे व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, तो वे व्यक्ति कौन है जिन्होंने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वो थे स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, तो ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को एक उपाधि दी थी जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था, तो वो उपाधि थी केसर ए हिंद की। कौन सी उपाधि थी, केसर ए हिंद की उपाधि पहले अंग्रेजों ने दी थी महात्मा गांधी को, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी कि वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रह के रूप में चुना गया था, लेकिन दूसरा सत्याग्रह कौन है, तो राइट हो जाएगा दूसरा सत्याग्रह ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो साथियों सेकंड गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र महात्मा गांधी ने भाग लिया था, लंदन गए थे सेकंड गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले कौन हैं, तो वो है साथियों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, और गांधी जी ने मात्र सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हमने पिछले पार्ट में डिटेल में चर्चा की है, तो पिछला पार्ट जरूर आपको देख लेना है, सारे क्वेश्चन दोनों पार्टों को मिलाकर 100 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेने, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन याद कर लेना है मित्रों, ठीक है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से
कितने वर्ष रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, कितने वर्ष रहे थे गांधी जी, तो राइट हो जाएगा 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रहे थे। अगला क्वेश्चन है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे, वो है विठल भाई पटेल। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका इसमें। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था। महात्मा गांधी ने भारत में पहला जनभाषण दिया था वाराणसी में, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका इसमें। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था, वो थे सर पैट्रिक लॉरेंस। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका इसमें। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और नहीं था, तो कौन नहीं था। पैट्रिक लॉरेंस था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था, एवी अलेक्जेंडर। तो ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, लेकिन विलियम हुड है ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। यहाँ पर पूछा नहीं था, तो विलियम हुड है ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, तो वो था साथियों 1929 का अधिवेशन, जिसमें एम ए जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग रखी थी। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा खींची गई थी, उस सीमा आयोग का की अध्यक्षता किसने की थी, तो राइट हो जाएगा साथियों रेड क्लिप ने की थी। और ये सीमा है, इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, रेड क्लिप ही है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। तो साथियों ये टोटल लगभग आपके 100 क्वेश्चन थे, ठीक है, 100 क्वेश्चन थे। पार्ट फर्स्ट आपको चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना है, ठीक है। पार्ट सेकंड ये हमारा है ही, पार्ट सेकंड आपने पूरा देख लिया है, पार्ट फर्स्ट आप जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर आप लिंक पर जाकर पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं, ठीक है। चैनल पेज पर और भी आपको बहुत सारी क्लासें मिल जाएगी, अलग अलग टॉपिक वाइज, वो सारी क्लासें आपको देख लेना है, क्योंकि जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आप पढ़ोगे वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, एक दिन में नहीं, हर दिन आपको एक क्लास लेना है, तो आपके प्रैक्टिस भी होगी और आपको सारे क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन में नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन अलग अलग दिन अलग अलग आपको हर दिन एक क्लास दो क्लास जितना आप ले सको उतने आपको क्लास लेना है, ठीक है। अलग अलग टॉपिक वाइज अलग अलग आपको क्लासें मिल जाएगी। तो सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि हमेशा एक दो क्लास लें और तैयारी को मजबूत बनाएं, ठीक है। और जिस भी क्लास को लो उसको एक बार अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।